अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फ़ेस वॉश का कारोबार कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फ़ेस वॉश बना सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपके पास बर वक्त पहुँच सके और आप उसे कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी उठा सको। अगर फ़ेस वॉश के हवाले से बात की जाए तो फ़ेस वॉश एक रनिंग आइटम है और बहुत ही कम सरमाए से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, ये आइटम अपने नाम करवाई जा सकती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आपने करना है क्या है, मार्केट से ये कुछ केमिकल्स जो हैं ले लेने हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 8 लीटर जो है आपने पानी गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने एसटीवाई 100 ग्राम लेना है, 1 पाव जीएमएस लेना है, 100 ग्राम आपने एसएलएस लेना है, C2 आपने 300 ग्राम लेना है, क्रोडा आपने 100 ग्राम लेना है और स्टीरिक जो है 2 केजी लेना है। उसके बाद एसएलएस को छोड़ के आपने बाकी जो केमिकल हैं सारे गर्म कर लेने हैं, उनको लिक्विड कर लेना है। और ये जो केमिकल होंगे वो आपने किसी बड़े ड्रम के अंदर डाल देने हैं और उनकी ग्राइंडिंग करनी है। उसके बाद आपने जो एसएलएस बचाई थी वो आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके डालते आना है। और उसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को किसी भी जगह ग्राइंडिंग के दौरान स्किप नहीं करना, क्योंकि ग्राइंडिंग लंबी हो जाएगी। तो आपने किसी भी जगह आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह स्किप कर दिया जहाँ पे केमिकल का ऐड होना हो, तो वो एक आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं आपसे पहले ही ये रिक्वेस्ट करता चलता हूँ कि आपने ये वीडियो को किसी भी जगह स्किप नहीं करना। तो एसएलएस डाल दिया, तो ये ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने नज़र लगा के रखना है, किसी जगह स्किप नहीं करना, ये आपकी मेहरबानी। नहीं तो अगर किसी भाई का बैच ख़राब हो गया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। ये वही पुरानी थोड़ी सी एसएलएस है, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी डालनी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी बचा ली थी। उसके बाद जो है तो बाकी जो बची थी वो मैंने डाल दी। तो टेंशन ही लेनी कि मैंने कोई चीज़ जो बताई नहीं है, तो ये पूरा भाई SLS है। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई रेसिपी है, हमारा हर आने वाला जो न्यू बिज़नेस आइडिया है वो आपको बर वक्त पहुँच सके और आप उसे कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी उठा सको। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर जो ये जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ और यह मेरी दूसरी लास्ट रेसिपीज़ हैं या फार्मूलेशंस हैं, अगर उनमें से कोई भी आपके किसी काम आती है तो वो आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि कोई दूसरा भाई भी उससे फ़ायदा हासिल कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 ग्राम जो है MP डाल देना है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आपने कहीं भी ग्राइंडिंग को जो है नहीं रोकना। आप डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप किसी ड्रिल वगैरह या जो भी है मिक्सर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास थोड़ा सा बड़ा ड्रम है, तो हम हर बार तो आपको जुगाड़ लगाना भी नहीं सिखा सकते। तो आपने डंडे का, क्योंकि आपका मटेरियल थोड़ा होगा, तो आपने डंडे के साथ ही इसको मिक्स करना है, इसको ग्राइंड करना है। ठीक है जी, 10 ग्राम MP डालना है। ये देख लें, कहीं भी किसी भी जगह हमने ग्राइंडिंग को नहीं रोका।
उसके बाद आपने 10 ग्राम जो है पीपी डाल देना है। आपने बिल्कुल इसी तरह ही आपने केमिकल ऐड करने हैं कि साथ के साथ ही ग्राइंडिंग चल रही होगी और साथ के साथ ही आपने आहिस्ता आहिस्ता केमिकल डालते आना है। इसके अलावा अगर आपको इन केमिकल्स की या किस वीडियो की या किसी मसला को मसला ना आपको कोई मसला आ जाता है इस वीडियो में, तो आपको आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आपने उन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें मैसेज कर लेना है या कॉल कर लेनी है, तो हम जो भी हो सकेगा हम आपकी रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं दोबारा आपसे आपको बता दूं कि आपने ग्राइंडिंग को नहीं रोकना। वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो किसी भाई ने टेंशन नहीं लेनी। तो तकरीबन आपने क्या करना है कि 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे आपने उसके अंदर टीए डाल देना है। तकरीबन आपने 50 ग्राम टीए डालना है स्लोली स्लोली। टीए डालने के बाद ही ये देखिएगा क्रीम जो है गाढ़ी होने लग जाएगी। जी तो ये देखें देखें क्रीम जो है गाढ़ी होने लग गई है। बाकी ये ऐसा ऐसा जैसे ठंडी होती जाएगी तो अपनी मुकम्मल शेप में आ जाएगी। तो वेट करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं साथ के साथ ही। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आ जाए तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। माजरत के साथ वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही है, तो कोऑपरेट कीजिएगा। आपने जो है हमारे साथ जो है कोऑपरेट करना है। रात का टाइम है तो मेरी भी आवाज़ जो है ज़रा ढीली हुई बैठी है, तो बस आप लोगों के सिखाने की खातिर लगे हुए हैं। बस हमारा हक है कि आपने हमारी जो वीडियो है आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और हमें फीडबैक लाजमी देना और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है कस्टराइल डाल देना है तकरीबन 100 ग्राम। कस्टराइल डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से अगेन ग्राइंडिंग करनी है।
जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है आपने परफ्यूम डाल देनी है, उस पर ज़रूरत जो है आपने इसके अंदर खुशबू डाल देनी है। इस तरह आप ये फेस वॉश का कारोबार कर सकते हैं। फेस वॉश का जो मटेरियल है आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।